कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हुआ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 15 जुलाई फ्राइडे 2022, और देखिए सुबह बारिश की रिव्यू चालू हो गई और हम आवर वीडियो बना रहे हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि आज अर्ली मॉर्निंग इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे एक न्यूज अपलोड हुई कि अभिजीत भाड़वे, ये 26 साल घाटकोपर में रहने वाला, इसने मेट्रोमोनियल वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल अपलोड किया था जिसमें इसने अपने आप को आईपीएस ऑफिसर जाहिर किया था, और ये इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर अपने आप को बताता था, और ये कुंवारी लड़कियों को कैच करता था, उनसे शादी के वादे करता था, और बाद में उनसे पैसा ऐंठने के बाद फरार हो जाता था। तो साकिना का पुलिस ने वेडनेसडे 13 जुलाई को उसे अरेस्ट की एक कंप्लेंट के बेसिस पे, और इसने जो अपनी मेट्रोमोनियल वेबसाइट पे प्रोफाइल जो अपलोड की थी जिसमें इसने अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताया था और अपने बाप को रिटायर्ड फौजी का ऑफिसर बताया था, जबकि इसका बाप सातारा में स्ट्रॉबेरी की खेती करता है। अभिजीत घाड़वे का राज उस वक्त फाश हुआ जब इसने एक लड़की को शादी का वादा किया, और वही अपनी जो मेट्रोमोनियल वेबसाइट थी जिसमें इसने अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताया था, उसके तहत लड़की से मुलाकात हुई, चैट हुआ, कई महीने तक चैट हुआ, और बाद में इसने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें मैनेजमेंट ऑफिसर बनाऊंगा इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, और उसके लिए अभिजीत घाड़वे ने 73,900 रुपीज़ उस लड़की से लिया, उसे आईडेंटिटी कार्ड बना के दिया, उसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बना के दिया, लेकिन बाद में जब उस लड़की ने तहकीकात की तो वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और आईडेंटिटी कार्ड जो ये एविएशन कंपनी का था फेक था। इस तरीके से साकिना का पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, और 13 जुलाई वेडनेसडे 2022 को अभिजीत घाड़वे अरेस्ट हुआ, और 15 जुलाई तक उसे पुलिस कस्टडी में दिया गया। तो इसलिए हम कहेंगे, सिटीजन से कहेंगे कि ब्लाइंडली ब्लू मत करो, ये जितनी भी मैट्रिमोनियल साइट है, शादी की जितनी भी साइट है, उस पे 100% भरोसा मत करो, क्योंकि उसमें काफ़ी दफ़ा फोटो भी अलग रहते हैं और जितनी भी आइडेंटिटी दी जाती बहुत सारी गलत रहती है। इस तरीके से नौजवान लड़के और लड़कियों को इस मैट्रिमोनियल साइट से आगाह रहना चाहिए, और हम तो यही कहेंगे जो पुराने दस्तूर है, जो हमारे माँ बाप शादी कराते हैं प्रॉपर तहकीकात के बाद, तो उस पर ही पालन करो, ये सबके लिए अच्छा है।